आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत विशाल तरीके से पंजाबी धर्मशाला के अंदर विप्र ब्राह्मण समारोह हमने किया है, जिसमें हमने बल्लभगढ़ क्षेत्र उसके आसपास के जहाँ तक संभव हो सका सभी मंदिर के पुजारी, कथावाचक और जो भी वो प्रबुद्ध लोग हैं जो कि धर्म को और हिंदुत्व को और सनातन की बात करते हैं, उनको सबको हमने एक मंच पर बुला करके यहाँ सम्मानित किया है। हमारे लिए गर्व की विषय है। और जैसा कि हम देख रहे हैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं राकेश त्यागी जी, जो RSS के सह प्रांत कार्यवाह भी हैं और हरियाणा के, और उन्होंने ये मंच से बोला कि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में इतने संत समाज का सम्मान देखा नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। और मेरे लिए बहुत, मैं समझूंगा एक समझिए ऐसा एक अवार्ड उन्होंने मुझे दे दिया है जिससे मैं पाकर के हतप्रभ हूँ। और मुझे बड़ी खुशी और प्रेरणा भी मिली है इन बातों को सुन करके कि भाई हमने इतना अच्छा कार्य किया है। जो हमारे घर घर तक दीपक जलाते हैं, जो हमारे घर के अंदर वो भगवान की भक्ति का रस डालते हैं, जो हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम उन बुरे वक्त पर उनको याद करते हैं भगवान को और पुजारियों को, लेकिन अच्छे वक्त पर हम उनको याद नहीं करते। और अच्छे वक्त पर अगर हमने इन सबको बुला करके यहाँ मान सम्मान किया और भोज किया है, तो हमारे लिए ये है एक प्रेरणा का भी है। और मैं समझूंगा ये अलग पूरे शहर में जागे, ये पूरे देश में जागे, हमारे ब्राह्मणों का सम्मान हो। सर, ऐसे आयोजन से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझ हिंदुत्व को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, सनातन की राह पे चलने वाले और युवा शक्ति जो हमारी है, खासतौर से युवा शक्ति के लिए प्रेरणादायक होगी। जो जो आपकी वीडियो को देखेगा, जो जो आपकी न्यूज़ चैनल को देखेगा, वो युवा सनातन धर्म को और ज़्यादा मजबूती से समझेंगे। और हमने सभी पुजारियों को हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना भी की है कि केवल कथा को सुनाए ना, उसका मतलब बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करें। मंदिर मंदिर हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों को हनुमान चालीसा का मतलब भी समझ में आए, तो हिंदुत्व की लड़ाई हमारी और मजबूत होगी। एक सवाल है जी, कि क्षेत्रीय पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक आप सम्मान करते आ रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? कहीं कहीं बातें तो होती है आयोजनों को देख करके। देखिए, राजनीति कोई मंशा है? देखिए विनोद जी, वो एक हिंदी में कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को समाज सेवा के लिए किसी राजनीतिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व में शख्सियत है और अगर आप मेहनत करते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां आपको बुला लेती हैं, बजाय कि आप राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करें और फिर समाज सेवा की तरफ सोचें। सवाल ये कि आगे आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा केवल और केवल समाज सेवा की है, सनातन धर्म को उठाने की है, हिंदुत्व को बढ़ाने की है और समाज के अंदर एक ऐसी अलग जगाने की है कि जिस अलग को देख करके समाज के अंदर एक भारत भूषण, जो सबका बेटा है, सबका भाई है, वो एक ऐसा रोल मॉडल बन के निकले कि बगैर राजनीति में आकर के अगर ये बच्चा इतनी सेवा कर सकता है, तो इसी को क्यों ना हम और मजबूत करें संगठन के माध्यम से, और इसी को क्यों ना हम समाज के अलग अन्य क्षेत्रों में पुकारें।